सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब यूनिक एजुकेशन चैनल को और इस यूट्यूब के बेल आइकन में क्लिक करें और ऑल नोटिस में क्लिक करें और ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियो देख लेंगे। सबसे पहले थैंक यू फ्रेंड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं यूनिक एजुकेशन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे हाउ टू इंस्टॉल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कैसे आप सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपने टर्मक्स में इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी ईजी और सिंपल तरीके से। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी के बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि सबसे पहले जब वीडियो डालें तो आपकी सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं हम टर्मक्स एप्लीकेशन में कैसे हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, आपको पहले अपनी टर्मक्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाएँ और वहाँ लिखें आपको टर्मक्स एप्लीकेशन। अगर आपने टर्मक्स एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करी तो टर्मक्स एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, मैंने पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है, आप इंस्टॉल कर लें। ठीक है, 15-17 MB की फाइल है एप्लीकेशन जो इंस्टॉल हो जाएगी फिर। और फिर नेक्स्ट आप टर्मक्स एप्लीकेशन ओपन करें। मैं टर्मक्स एप्लीकेशन ओपन कर ली, अब पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। अब इसे टर्मक्स एप्लीकेशन को रेडी करने के लिए आपको कमांड लिखनी होती है APT अपडेट एंड APT अपग्रेड। इस कमांड से अब क्या होता है, टर्मक्स की एप्लीकेशन होती है वो अपडेट और अपग्रेड होती है, जिससे क्या होता है जो आपके पैकेजेस हैं वो जो टर्मक्स है पैकेज बहुत अच्छी तरह से वर्क करती है। एक तरीके से रिफ्रेश कह लीजिए, रिफ्रेश का काम करती है, रिफ्रेश करते हैं जैसे कंप्यूटर को हम रिफ्रेश करते हैं, उसी तरीके से हम APT अपग्रेड कमांड लगाते हैं फ्रेंड टर्मक्स एप्लीकेशन। तो फ्रेंड, तो इसे अपडेट करते हैं हम, तो APT अपडेट एंड APT अपग्रेड, ये कमांड आपको लगानी है जब भी आप टर्मक्स एप्लीकेशन कोई भी वर्क करें। आप मैं अपडेट करता हूँ। अब इसमें हम जो प्रोग्रामिंग लगेंगे सभी पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे हम टर्मक्स एप्लीकेशन में, वो भी प्रोग्रामिंग की जितनी भी लैंग्वेज है। तो फ्रेंड, इसे क्लियर कर देता हूँ। तो आपको पहले इंस्टॉल करने कमांड लिखनी होती है, जब भी कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो कमांड लिखनी होती है हमें PKG इंस्टॉल और उसका नाम। ठीक है, मैं ये कमांड लिखता हूँ PKG इंस्टॉल PKG इंस्टॉल, ये कमांड लिखनी है। और आपको जो लैंग्वेज इसमें इंस्टॉल करनी है तो आपको लिखना है, मैं Python 2 इंस्टॉल करता हूँ, पहले पाइथन इंस्टॉल करता हूँ। मैंने पाइथन डाली, एंटर करता हूँ। देखिए, मैंने पाइथन ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल कर ली है। अब मैं इसका पाइथन का वर्जन देखता हूँ, वर्जन मतलब कितना पाइथन का वर्जन क्या है। मैं पाइथन लिखूँगा। आपको जब भी किसी लैंग्वेज का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वर्जन देखना है, चेक करना है कितने कौन सा वर्जन है, पाइथन मैं चेक करता हूँ। तो आपको कमांड लिखनी होती है पाइथन PYTHON पाइथन, और फिर लिखेंगे -- वर्जन, ये लिखेंगे और एंटर करेंगे। आपको देखो पाइथन 3.9.6 वर्जन की जो पाइथन प्रोग्रामिंग है, तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। अब नेक्स्ट है इसे पाइथन टू पैकेज इंस्टॉल करेंगे, PKG इंस्टॉल पाइथन टू इसे इंस्टॉल करता हूँ। देखिए, इंस्टॉल होने लगी, आपकी इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है मतलब कितनी देर में इंस्टॉल होने जाएगी। तो इंस्टॉल हो रही है, इंस्टॉलिंग चल रही है, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई। स्टार्ट प्रोसेसिंग हो रही है, इससे आप इजीली आप प्रोग्रामिंग कोडिंग सीख सकते हैं। इसमें लैंग्वेज देखिए इंस्टॉल होगी हमारी पाइथन 2। तो ऐसे मैं इसे चेक करता हूँ पाइथन 2 को, मतलब इसका वर्जन चेक करना है पाइथन 2 का। हम तो कैसे चेक करेंगे, तो पाइथन आपको पाइथन लिखना है PYTHON पाइथन और 2 लिख देना है और -- वर्जन आपको इतना लिखना है पाइथन। अभी जैसे ही इस एंटर करेंगे तो ये वर्जन दिखा देगा, देखिए पाइथन 2 का कौन सा वर्जन है, 2.7.18 ये वर्जन है इसका। अब मैं इसे क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड। अब आपको अब नेक्स्ट इंस्टॉल करना है, पैकेज इंस्टॉल करना है आपको PHP
PHP इंस्टॉल करते हैं, तो PKG इंस्टॉल, सॉरी PKG इंस्टॉल PHP, ये कमांड आप जैसे डालेंगे PHP इंस्टॉल करने के लिए आपको कमांड लगेंगे PKG इंस्टॉल, कोई भी लैंग्वेज इंस्टॉल करें तो PKG इंस्टॉल PHP, और मैं इसे एंटर कर दूंगा। देखिए पहले से ही मैंने PHP इंस्टॉल करके रखी, आप इंस्टॉल कर लें, कोई भी परमिशन है तो यस नो तो बाय दबाना और एंटर कर देना। मैं PHP के मतलब इस PHP का वर्जन देखना है कौन सा PHP का वर्जन, तो मैं ये लिखूँ PHP -version एंटर करूँगा। देखिए PHP 8.0.6 ये वर्जन है और June 18, 2021 में रिलीज़ किया था, ठीक है। तो ये आपने PHP का इंस्टॉलेशन देखा और इसका वर्जन आपने चेक कर लिया। हम नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्टॉल करते हैं, ये रूबी इंस्टॉल करते हैं। तो रूबी इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, PKG वही कमांड लिखनी, PKG इंस्टॉल रूबी, मैं रूबी लिखूँगा और एंटर कर देने। आप ये कर रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू वाई, आपको इंस्टॉल करना है तो उसे बाय कर देना, नहीं करना तो नो कर सकते हैं। एंटर करूँगा मैं, ये देखिए इंस्टॉल होना शुरू हो गया, रूबी इंस्टॉल होने शुरू हो गई, 33% हो गए प्रोग्रेस इसकी। इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है, आप इंस्टॉल हो गया रूबी, मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। अब आपको रूबी का वर्जन देखना है तो कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ लिखना है रूबी -- वर्जन, ये आपको टाइप करना है और आपको ये दिखा देगा वर्जन कितना है, रूबी का वर्जन 3.0.2 इसका वर्जन है और रिवीजन इसका ODB 68F0233 इसे ये वर्जन है, आपको चेक कर दिखा दी मैंने रूबी का वर्जन, मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। और नेक्स्ट कमांड है पर्ल लैंग्वेज हमें इंस्टॉल करनी है, इसमें देखते हैं पर्ल कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो PKG इंस्टॉल पर्ल लिख देंगे, ओनली PRL पर्ल हम ये लैंग्वेज इंस्टॉल करने हैं, हम इसे एंटर कर देंगे। इंस्टॉल हो रही है फ्रेंड, आपकी इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है, मैं 1 MB की स्पीड आ रही है इस पर, इसलिए काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। देखिए आपका समय लग सकता है लेकिन आप पेशेंस रखें, 20% होगी, इंस्टॉल हो गई मेरी पर लैंग्वेज हमने इंस्टॉल कर ली PKG, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और मैं साफ तरीके से आपको दिखाऊंगा, थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, सॉरी बाद में करूँ। तो हमने पर्ल पैकेज इंस्टॉल कर लिया, हमें इसमें हम देखते हैं पर्ल के वर्जन, पर्ल का वर्जन देखते हैं हम, तो हम पर्ल का वर्जन देखते हैं। पर्ल का वर्जन देखने के लिए आपको PRL पर्ल लिखना है और लिखना है -- वर्जन, ये लिखना है आपको और एंटर कर दें। देखिए कॉपीराइट ये वर्जन है, ये वर्जन है वर्जन 5.34.0, ये आपको वर्जन है, ठीक है 24 वर्जन है इसका, तो ये आपने देख लिया, हमें इसे क्लियर कर देता हूँ। क्लियर कर देता है, अब हमें इंस्टॉल करनी है सी लैंग्वेज, तो सी लैंग्वेज में टर्मैक्स में इंस्टॉल करना है तो कैसे करेंगे हम, तो PKG इंस्टॉल सी लैंग ये लिखना है और एंटर कर देना। लिखने के बाद मैंने ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल कर दी सी लैंग्वेज, तो आपको इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड डालनी होगा, इंस्टॉल कर सकते हैं। अब फिर मैं इसे वर्जन चेक करना है सी लैंग्वेज का, सी लैंग और आपको लिखना है -- वर्जन, और ये लिखने के बाद आपको एंटर कर देना और आपको ये सी लैंग्वेज वर्जन दिखा देगा। देखिए रीडिंग लिस्ट टर्न बिल्डिंग डन, वर्जन है इसका 12.00,
12.0.0 ये दिया, इसका वर्जन है फ्रेंड। और क्लियर से क्लियर कर देता हूँ। इसी तरीके से आप कई सारी लैंग्वेज को इंस्टॉल कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट ये भी आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना बोले फ्रेंड, और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर तक अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ट्रमैक्स पर लेकिन वीडियो उस पर आजकल बना रहे हैं उस पर, और एक दो वीडियो डेली डालते रहते हैं। तो फ्रेंड तो उसे सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बेल आइकन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन प्रेस करें, और जब जैसे ही हम वीडियो डालेंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। तो फ्रेंड चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।